मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं, तो उत्तर में बाबा कहते हैं जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा एक और प्रश्न पूछते हैं कि अंतर्मुखी किसे कहेंगे, तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे, तो उत्तर में बाबा समझाते कि सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, यही है निराली अंतर्मुखता। मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों ने ये गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते रहते हैं और तुम जानते हो कि बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं, बाप जरूर दादा के तन से ही बताएगा। यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम सब सजनिया हो, सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमद पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने और दिलाते भी हैं बच्चों द्वारा, क्योंकि करण का रावण हार है ना, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रलब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है, है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी है उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसे भी बर्बाद किए तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात, जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहाँ वहां बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों को भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहां भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है, हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं, मात पिता और भी जो अनन्य भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे तुमको सीखना है। बल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी भी हैं, गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
तो अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी, बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते रहते हैं, और जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते नहीं है। वह बाप से अंजाम करते हैं, वायदा करते हैं कि ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहां भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। घर बार छोड़ना तो हठयोगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देख रेख करनी है, और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है, मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है। बाप पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे, तो यहाँ स्नान आदि की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं कि मामेकम याद करो, और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्यजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी ये सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बात बाप कर रहे हैं, बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालात में बच्चे को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वह तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु ये कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ये माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। अगर भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे ही नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। तो देवताएं भी इच्छा रखते हैं कि ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते ही नहीं है। यह कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है। फिर तुम बच्चों को भी यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए, इससे बहुत फायदा है। साजन को पाव बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता ही नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं।
देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माता च पिता, यह एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए माम एकम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं और फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है, मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं कि जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पाठ ही यह है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती ही नहीं, तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं। वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं, जैसा मनुष्य वैसे उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है, फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है। पद हर एक नंबरवार पाते हैं, राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यह बात नहीं है, यह है भी अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो, इस समय तुम ब्राह्मणियां शक्तियां हो। सत्युग में देवियों को हथियार आदि तो हो नहीं सकते, यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती हैं, काले से गोरे बनते हो, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, इसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे, तो इनको बनाने वाला कौन। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति न्यारी है, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना, ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान उवाच, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूँ। ज्ञान से ही सदगति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़े पावन बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहां उनों की बुद्धि, कहां तुम्हारी बुद्धि। वे सब विनाश के लिए काम करते और तुम स्थापना के लिए करते हो, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवे चाहते तो हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। बाप फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है। तकदीर भी साथ देती है,
कोई फिर संघ दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं और ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। और दूसरा पॉइंट है, रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। बाबा ने वरदान दिया, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाली उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।